अस्सलामु अलैकुम। एमडी कैट प्रिपरेशंस बायोलॉजी लेक्चर नंबर 8 नर्व इम्पल्स। दिस कुड बी द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज नर्व इम्पल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से हमने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है सडन मैसेज, क्विक मैसेज, सडन मैसेज, अचानक जो मैसेज मुंतकिल होता है उसको इम्पल्स कहते हैं, तहरीक जैसे लफ्ज़ हैं। तो नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या है, हम जो देखते हैं आँखों के ज़रिए वो ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के ज़रिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में जाता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, एक इलेक्ट्रिक करंट है जिसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। चूँकि ये नर्व के ज़रिए जाती है इसलिए इसको नर्व इम्पल्स, हम जो कानों से सुनते हैं, हमारे जो पेन रिसेप्टर्स, हीट रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर, जो स्किन, जो हमारे पाँव से हीट रिसेप्टर्स, हीट का जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके आते हैं, वो एक नर्व इम्पल्स की शक्ल में होता है। हम नर्व इम्पल्स को डिफाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नर्व इम्पल्स क्या होती है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, विच ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड आइंस मूवमेंट अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। वट इज द पोटेंशियल? जैसे हम कहते हैं फलां शख्स में बड़ा पोटेंशियल है, पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। नाउ वट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ बैरियर, जैसे यूपीएस होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को महफूज कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेता है, कैसे? बैरियर्स हैं उनके अक्रॉस इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो सेपरेटेड हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड कहलाती है। तो बेसिकली हमारे इस टॉपिक में हम देखेंगे कि चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, सोडियम आइंस, पोटाशियम आइंस और दूसरे ऑर्गेनिक आइंस, और ये चार्जेस हैं। बैरियर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल, न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डेफिनेटली न्यूरॉन एक सेल है, नर्व सेल है, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट विल एक्ट एज द बैरियर बिटवीन द आइंस, राइट? आइंस उसके आउटर और इनर रीजन में आइन सेपरेशन होगी। वट इज़ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दो तरह का होता है, एक जब मेम्ब्रेन के अंदर से नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन के अंदर से, जब नर्व सेल के अंदर से, जब न्यूरॉन के अंदर से इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 mV या -0.07 V ये हम इन डिटेल देखते हैं। दूसरा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल व्हेन इम्पल्स इज बीइंग कंडक्टेड। जब इम्पल्स कंडक्ट हो रही है तो जो होगा उसको कहेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। हमारे इस टॉपिक में हम इन दोनों चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिफाइन करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल। नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल में, नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर हम मेजर करें तो पोटेंशियोमीटर से, तो ये आता है -70 mV, या इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करें तो -0.07 V, क्योंकि मिली का मतलब होता है हज़ारवां हिस्सा। अब हम जब ये एक नर्व सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही है तो उस वक्त आउटर रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इनर रीजन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। हम इसको साइजेस ऑफ आइन से शो करते हैं, अगर बाहर सोडियम ज़्यादा है तो हम सोडियम को बाहर ज़रा बड़े साइज में लिखेंगे, अगर सोडियम अंदर कम है, सोडियम आइन्स इनकी कंसंट्रेशन कम है तो इनको ज़रा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा।
अब यहाँ पे दो प्रोसेसेस बड़े इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने वाले। क्यों बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है अंदर नेगेटिव, एक है उसमें से एक्टिव प्रोसेस और दूसरा है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसके लिए एटीपी एनर्जी यूज होती है जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जो अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है फ्रॉम हायर टू लोअर होती है और जिसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि जो नर्व सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के पंप, दो तरह के रास्ते हैं। एक सोडियम पोटेशियम पंप, लेकिन लफ्ज पंप का मतलब होता है जहाँ से एक्टिवली कोई चीज़ गुजारी जाए, एक्टिव एनर्जी लगाकर। दूसरे होंगे सोडियम पोटेशियम चैनल्स या गेट्स। चैनल या गेट का मतलब होता है जहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, जहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, जहाँ से चीज़ों की लीकेज होती है, चीज़ें खुद ब खुद एक रास्ते से गुजर जाएँ तो उसको गेट से चैनल कहते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, हम देखते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। सोडियम एंड पोटेशियम आइंस हम देखते हैं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सोडियम आइंस मेम्ब्रेन के आउटर रीजन में 10 टाइम्स इनर की निस्बत ग्रेटर होते हैं, पोटेशियम आइंस इनर साइड पे आउटर की निस्बत 20 टाइम्स ग्रेटर होते हैं। इसलिए बाहर ज़्यादा पॉजिटिव और अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। आप सोचेंगे कि सोडियम बाहर अंदर सोडियम की नस्बत 10 गुना ज़्यादा है, पोटेशियम बाहर की नस्बत अंदर 20 गुना ज़्यादा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली सोडियम आइंस होते बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर अंदर हैं 10 सोडियम आइन, तो बाहर इनका 10 गुना कितना होगा, 100 सोडियम आइंस। बाहर है एक पोटेशियम आइन, अंदर इसका 20 गुना कितने होंगे, 20 पोटेशियम आइंस होंगे। तो टोटल देखें ये 100 जमा 1 101 और 10 जमा 20 30, तो ये है बेसिकली पोटेशियम्स की कंसंट्रेशन कम होती है, सोडियम्स की ज़्यादा होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सोडियम्स 10 टाइम्स इनर सोडियम से ज़्यादा है, पोटेशियम 20 टाइम्स आउटर से इनर ज़्यादा है, राइट। अब दूसरी चीज़ जो बाहर पॉजिटिव चार्ज में कंट्रीब्यूट करती है वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल है ये बाकी तमाम आइंस के लिए इम्परमीएबल है सिवाय पोटेशियम आइंस के। अब जो पोटेशियम चैनल्स हैं, जिसको मैंने कहा पोटेशियम चैनल्स या गेट्स, जहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, जहाँ से पैसिव लीकेज होती है, वो ओपन रहेंगे और पोटेशियम आइंस एक तो लीक आउट हो रहे हैं। देखे ना, अंदर 20 टाइम्स बार के नस्बत ज़्यादा है तो पोटेशियम लीक आउट भी हो रहे हैं। ये दूसरी वजह जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और अंदर नेगेटिव। तीसरा फैक्टर है नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। जो नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इनर साइड पे नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस, जैसे प्रोटीन आइंस जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, हमें मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स की एक ही क्लास है जिनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स, ये इनर साइड पर ज़्यादा होते हैं। ये मैंने उल्ट लिख दिया, सॉरी, ये नेगेटिव है तो ये मोर इन होते हैं और लेस आउट होते हैं। आउट जो है ना वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं और इन साइड ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ये भी वजह है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा और बाहर पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, क्या ऐसी स्टेज ऐसी सिचुएशन में नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही है। नो कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब ये तो हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ तक हमने ये डायग्राम ड्रा की, हमने कहा कि दो पोटेशियम आइन जब अंदर आते हैं तो इसके हिसाब से 3 सोडियम आउट होते हैं। ये जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा। अब हम देखते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये जो सोडियम और पोटेशियम पंप है, ये जब काम कर रहा है, ये चीज़ बीच में मैं भूल गया, मैं बता दूँ कि जब दो पोटेशियम अंदर लाए जा रहे हैं तो 3 सोडियम आइंस बाहर निकाले जा रहे हैं। 2 के साथ 3 का तकाबुल है, यानी 2 के मुकाबले में 3 सोडियम, इस वजह से भी बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा। अब हम देखते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या जो नर्व सेल है वो इम्पल्स को कैसे ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हम देखते हैं, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स इनिशिएट कैसे होती है, एक नर्व सेल नर्व इम्पल्स को जनरेट कैसे करता है। हमने लास्ट देखा था नर्व इम्पल्स हैज 2 टेंडेंसीज, इट कैन जनरेट नर्व इम्पल्स, इट कैन प्रोपागेट नर्व इम्पल्स, राइट। सो
एक है थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशहोल्ड दहलीज को कहते हैं, जहाँ से किसी घर के अंदर दाखिल होते हैं वो दहलीज को थ्रेशहोल्ड। तो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस विच कैन इनिशिएट ए नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। तो नर्व इम्पल्स तब इनिशिएट होगी जब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस गेन हो जाएगा। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब जैसे कि हमारे हाथ से कोई चीज़ टकराई, हमने हाथ को पीछे खींचना है, तो ये जो नर्व इम्पल्स है ये स्पाइनल कार्ड तक कैसे गई? मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स हुआ, पहले बाहर पॉजिटिव आइंस ज़्यादा थे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, अंदर नेगेटिव, अब रिवर्स हुआ है। अब फॉर एग्जांपल ये थोड़े से एरिया में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही, तो अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया है और बाहर नेगेटिव, ये कैसे हुआ है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स कैसे हुए? ये हम फैक्टर सारे देखते हैं तो हमें मालूम होगा। बेसिकली ये बहुत थोड़े टाइम के लिए नर्व इम्पल्स किसी जगह से, मिली सेकेंड, सेकेंड का हज़ारवां हिस्सा, इतनी रैपिडली, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे बिजली की तार से करंट गुजरता है, ऐसे ही नर्व सेल के अंदर से नर्व इम्पल्स गुजरती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल ही है, इलेक्ट्रिक करंट ही है ये जो नर्व इम्पल्स है, बड़ी स्पीडली ब्रेन के अंदर जाती है और वापस आती है। और एक्शन, जैसे मैंने अभी हुक्म दिया तो मेरा ये हाथ पीछे खींच लिया, ये ब्रेन से एक इम्पल्स गई है, उसने मसल को कहा कि पीछे खींचे। कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी सेगमेंट है हमारा इस लेक्चर का, कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो आउटर रीजन में ज़्यादा पॉजिटिव है और इनर रीजन में, मेम्ब्रेन के इनर रीजन में नेगेटिव। इसको हम कहते हैं द नर्व सेल इज़ पोलराइज्ड, नर्व मेम्ब्रेन इज़ पोलराइज्ड, आउटर पॉजिटिव चार्ज, इनर नेगेटिव चार्ज, पोलराइज्ड है, पोल्स बने हुए हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव, पोलराइज्ड। अब सोडियम एंड पोटेशियम आयंस जब मूवमेंट होगी तो सोडियम गेट्स ओपन होंगे, डेफिनेटली सोडियम बाहर ज़्यादा है, तो सोडियम गेट्स जब ओपन होंगे तो एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, सोडियम इन आएंगे, बाहर से इन आएंगे, जब सोडियम इन आएंगे तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, एक वक्त आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, तो एक डीपोलराइजेशन हो जाएगी, यानी पोल्स ख़त्म हो जाएंगे, नो पॉजिटिव आउटर, नो नेगेटिव इनर, तो डीपोलराइजेशन। साथ ही सॉरी पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे, साथ ही पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो फिर से रीपोलराइजेशन। अब देखें, रीपोलराइजेशन मींस बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, अब रीपोलराइजेशन होगी और ये मोमेंट्री रिवर्सल ऑफ चार्जेस है, ये एक मोमेंट के लिए है, ये लम्हाती है, मिली सेकेंड्स के लिए है, और ये मिली सेकेंड्स के लिए है, तो ये एक दफ़ा रीपोलराइजेशन, फिर जब ये जब नर्व इम्पल्स एक मिली सेकेंड के लिए गुजर गई है तो अब दोबारा से रिकवरी है, दोबारा से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, यानी दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिकवर कर दिया जाता है। याद रहे इस दौरान में फिर पंप्स काम करते हैं और फिर से एटीपी यूज़ करते हैं और फिर सोडियम को बाहर अगेंस्ट ग्रेडियंट कंसंट्रेशन और पोटेशियम को इन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोबारा से पंप्स। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन करने के लिए एनर्जी लगती है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली एक पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक डिफ्यूजन की किस्म है जिसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती। आपको याद होगा जब हम मसल्स पढ़ रहे थे, हम मसल कंट्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने ये वहाँ पे भी यही देखा था, जैसे हमने रिगर मोर्टिस लफ्ज़ देखा था कि जब एक शख्स मर जाता है तो उसके मसल कंट्रैक्ट तो कर जाते हैं लेकिन वो क्रॉस ब्रिजेस को बाइंडिंग साइड से डिटैच करने के लिए एटीपी ज़रूरत होती है, यानी वो वहाँ पे एटीपी। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल है, नर्व इम्पल्स गुजरनी है, वो तो पैसिव मोमेंट है, उसके लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन चार्जेस को रिकवर करने के लिए, ताकि फिर से इम्पल्स मूव कर सके, फिर से इम्पल्स ट्रैवल कर सके, इसके लिए पंप्स काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम, और वहाँ पर एनर्जी एक्सपेंड होती है, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स मीन दोबारा से जब रिकवरी, बार पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वो कैसे, वो हमने पीछे देखा है, सोडियम पोटेशियम आयंस मूवमेंट, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस और ऑर्गेनिक नेगेटिव आयंस वगैरह, पैसेज ऑफ इम्पल्स, दोबारा से इम्पल्स मुंतकिल हो सकती है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है या एक एमसीक्यू है, साल्टेटरी इम्पल्स। लफ्ज़ साल्टेटरी का मतलब होता है जंपिंग। हमने देखा था कि जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं, इनके एग्जॉन्स के बाहर माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ के, जहाँ पे माइलिन शीथ, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जॉन है, तो इसके इर्द गिर्द ये माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ के ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है, इनके एग्जॉन्स में नर्व इम्पल्स साल्टेटरी जंपिंग तरीके से मूव करती है, यानी एक नोड ऑफ रेनवियर से अगले तक, अगले से फिर अगले तक, अगले से फिर अगले तक, ऐसे जंप करती हुई मूव करती है, इससे स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इंक्रीज हो जाती है। हमें मालूम है कि माइलिन शीथ, ये
जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है, जो इंटर न्यूरॉन्स है, जो कि CNS बनाते हैं, उनमें नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे नर्व इम्पल्स की स्पीड थोड़ी कम करनी है ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जा सके, उसको प्रोसेस किया जा सके, उसे समझा जा सके। फिर हम देखते हैं स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की जो नॉर्मल स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, नॉर्मल जो स्पीड होती है, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड नोट की गई है वो है 120 मीटर पर सेकेंड। एक ग्राफ की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इसके एक्स एक्सिस में मैंने टाइम लिया है, इसके वाई एक्सिस में मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिली वोल्ट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिली वोल्ट। तो एक चीज़ और मैं इससे पहले बता दूं, जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वो 0.05 होता है, वो 0.05 होता है, या उसको हम अगर मिली वोल्ट्स में देखेंगे तो हम उसको कहेंगे 50 मिली वोल्ट्स, राइट। यहाँ पर मैंने कहीं लिखा था राइट, अच्छा 50 मिली वोल्ट्स। हम इस ग्राफ को देख रहे थे, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इन मिली वोल्ट्स और ये टाइम है, ये -50, ये -100, 0 और +50। शुरू में जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था तो ये -70 था, यानी पोलराइज्ड थी मेम्ब्रेन। जब इंपल्स शुरू हुई तो सोडियम गेट्स ओपन हुए तो डीपोलराइजेशन शुरू हुई, यहाँ पे सोडियम गेट्स ओपन है, डीपोलराइजेशन हो गई, पोल्स ख़त्म हो गए। और फिर जब पोटेशियम लीकेज शुरू हुई, गेट्स ओपन हुए तो रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन के बाद बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो गया, इंपल्स जहाँ से गुजर रही थी, और उसके बाद फिर रिकवरी, रिकवरी का मतलब फिर सोडियम और पोटेशियम पंप्स हरकत में आए और उन्होंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दोबारा से मेंटेन करने का काम शुरू कर दिया। ये था हमारा टॉपिक, नर्व इंपल्स क्या है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, नर्व इंपल्स क्या होती है, कंडक्ट कैसे होती है, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।